हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग बात करेंगे एक नए सीरीज को लेकर के, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड को हम लोग सीखेंगे। ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस के इंट्रोडक्शन के बारे में और कैसे ओपन होगा, उसको ओपन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए, एक से एक वीडियो इस पर आने वाली है। और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि एमएस वर्ड को हम किन किन तरीकों से ओपन कर पाएंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप तो सबसे पहले स्टार्ट पे जा सकते हैं। स्टार्ट बटन पर आने के बाद आप यहां पर ढूंढ सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको इनमें से कहीं ना कहीं वर्ड 2016 आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और जो दूसरा तरीका होता है वो है, आप यहां पर आने के बाद आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। सर्च में आने के बाद सिर्फ आपको लिखना होगा वर्ल्ड, इस तरीके से लिखते ही ऊपर आपको दिख जाएगा वर्ल्ड 2016। तो आप यहां पर भी क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। और जो चीजें हैं, कुछ इसके राइट क्लिक में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी जरूरत नहीं होती है हमें। और उसके बाद जो होता है ओपन फाइल लोकेशन, ये फाइल कहां पर है वहां पर लेकर के जाएगा, इसकी भी जरूरत है। इसकी जरूरत जब हमें पड़ती है कि जैसे मान लीजिए आप वर्ल्ड 2016 को डेस्कटॉप पर इसका आइकॉन लेकर के आना चाहते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, अभी हम बात करेंगे। उसके नीचे है पिन टू स्टार्ट, और उसके नीचे जो है पिन टू टास्क बार, और उसके नीचे अनइंस्टॉल, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एमएस वर्ड जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर, हम नीचे से समझते हैं पहले, पिन टू टास्क बार अगर कर देते हैं तो जैसे कि आप यहां पर टास्क बार पर अदर प्रोग्राम देख रहे हैं उसी प्रकार से यहां पर जो है ये वर्ल्ड 2016 आ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आ गया। आप यहां पर भी क्लिक करके इसको ओपन कर पाएंगे। नहीं चाहिए दोबारा से आप जो इस पर क्लिक कर देंगे, टास्क बार से ये हट जाएगा। उसके बाद जो है ये पिन टू स्टार्ट, पिन टू स्टार्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब आप इस पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन यहां पर जो है वर्ल्ड 2016 दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां पर स्टार्ट में दिखाई दे तो उसके लिए जो है आपको वहीं आना होगा वर्ल्ड, राइट क्लिक, और पिन टू स्टार्ट पर जब आप क्लिक कर देंगे, पिन कर देंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही आप स्टार्ट पर आएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा। आप इस पर भी क्लिक करके आप इसको ओपन कर पाएंगे। नहीं चाहिए तो दोबारा से जो है आप इस पर भी राइट क्लिक करके आप यहां से अनपिन कर सकते हैं। फ्रॉम स्टार्ट से अनपिन हो गया। उसके बाद जैसे वर्ल्ड हम पर आते हैं और चाहते हैं कि ये जो आइकॉन है वो डेस्कटॉप पर चला जाए, बार बार हमको यूज करना है, बार बार इसे ओपन करना है, डेली हम इसको ट्यूटोरियल को देखेंगे और डेली जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम चाहेंगे कि ये डेस्कटॉप से ही हम जो है इसको ओपन कर लिया करेंगे। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों की तरफ से कमेंट्स भी आते हैं कि किसी भी आइकॉन को हम डेस्कटॉप पर कैसे लेकर के आए। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर 2007 है, विंडोज 2007 है आपका, तो बिल्कुल इजीली आ जाता है, आप जाकर के वहां से राइट क्लिक कर देंगे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका विंडोज 10 है तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, जो भी एप्लीकेशन को आपको डेस्कटॉप पर लेकर के आना है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा ओपन फाइल लोकेशन पर जाना होगा, ये खुलेगा, यानी कि उसका लोकेशन खुला। लोकेशन के बाद जो है आप यहां पर देख पाएंगे वर्ल्ड 2016, और आप इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहां से ओपन कर पाएंगे। और उसके बाद जो तरीका होता है एक और, उसके लिए आप जो है विंडोज के साथ में आर बटन प्रेस करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे विन वर्ड टाइप करके और इंटर प्रेस कर देंगे या फिर ओके कर देंगे, जैसे यहां से ओके कर देंगे तो आपका वर्ल्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं ओपन करने के और अपने रखरखाव के लिए। तो जैसे आपका यूज है, जैसा यूज है उस तरीके से जो है आप इसको अपने हिसाब से ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन होता है। तो अभी फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं और डेस्कटॉप से फिर हम इसको ओपन करके देखते हैं।
आपने जहां पर भी रखा है ओपन होने का तरीका बिल्कुल एक ही होगा, उसमें कोई और तरीके नहीं होते। जितने भी तरीके हमने बताया, इन सभी तरीकों में से जो भी आपको सुविधाजनक लगता है, ये सारे के सारे तरीके बनाए गए हैं ताकि आपको जहां से सुविधा हो वैसे आप जो ओपन कर सकते हैं। तो ये तो ये तरीका हुआ, लेकिन एक सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो ये है, इसको एक्चुअली अगर यहां से आप ओपन कर लेते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, तो आपको सेव करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फाइल को पहले ही बना लें, जहां पर भी रखना है आप वहां पर जाकर के पहले ही फाइल बना लें, सेव कर लें, उस नाम से जो भी वर्क करना है उस नाम से आप फाइल बना लें, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड की कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू में आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये वर्ड का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और इसको आप अपना नाम दे सकते हैं, जो भी आप इसमें वर्क करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर साइटेक विजन के नाम से कोई भी एक फाइल हमने बना लिया, और हम इसमें भी साइटेक विजन से रिलेटेड या फिर जो भी वर्क आप करना चाहते हैं, कोई रिज्यूम है, कोई बायोडाटा है किसी के नाम का, तो आप पहले भी फाइलें बना सकते हैं, और उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे, और जो भी वर्क करना होगा वो वर्क करने के बाद कंट्रोल एस या फिर सेव करेंगे, तो वो सारे के सारी जो भी मटेरियल्स, जो भी टेक्स्ट वगैरह, जो भी डिजाइन आप करेंगे, वो सारा का सारा इसके अंदर आप करके सेव होता रहेगा। तो ये तो एक ये तरीका हो गया, लेकिन हम पहले जो है यहां से ओपन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही ओपन होगा तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहां पर प्री डिजाइन पहले से ही बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं वर्ड की। जैसे होता क्या है कि अगर आप नए हैं और कोई भी ये कह दिया कि आप एक रिज्यूम टाइप कर दीजिए, या फिर कोई छोटा सा कैटलॉग्स वगैरह बना दीजिए, या फिर कोई भी चीज है आप डिजाइन कर दीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसके लिए एमएस वर्ड ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि कुछ सैंपल्स यहां पर दे दिया है। तो आप उस सैंपल्स को यूज करके और आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं होगी, यानी कि आपको एक सिंपली आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी वर्क हमको कैसे करना है। जैसे कि अगर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहां से इस पर क्लिक करेंगे, यह है वेलकम टू वर्ड, इसके अंदर जो है वेलकम करेगा, यानी कि वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। यह है सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक, यानी कि सिंगल स्पेस के लिए यह जो है ब्लैंक, एक ब्लैंक फाइल ओपन होगा। उसके बाद जो है ब्लू ग्रे रिज्यूम, यानी ब्लू और ग्रे कलर में रिज्यूम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, डिजाइंड है, आप उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करके जो है आप अपने लिए बना सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं स्नैपशॉट कैलेंडर वगैरह, अगर आपको डिजाइन करना है तो आप यहां से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो कि पहले से डिजाइंड है, आपको थोड़ा मोड़ा उसके अंदर चेंजिंग करने की जरूरत होगी, और आप जो है अपने लिए कोई भी डिजाइनिंग्स आप जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे सर्टिफिकेट डिजाइन करना है तो इस तरीके से पहले से डिजाइन किया हुआ है अलग अलग तरीके का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली यही खुलेगा, और आप उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी डिजाइन है उसमें चेंज कर सकते हैं, नहीं डिजाइन चेंज करना चाहते हैं आप उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप उसी तरीके से आप अपने डिजाइनिंग को कर पाएंगे, अगर बिल्कुल भी आइडिया आपके पास नहीं है तो। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी सुविधा आ गई है एमएस वर्ड में, जिसको आप यूज करके कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने ओपन किया इस तरीके से, क्रिएट पर क्लिक किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी पूरी की पूरी डिजाइनिंग यहां पर आ चुकी है। आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, हम इसको क्लोज करते हैं। सिर्फ इस फाइल को क्लोज करने के लिए आपको यहां पर आना होगा, अभी हम समझेंगे इसके बारे में, पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। सेव करने के लिए पूछ रहा है, सेव नहीं करना है। तो इस तरीके से हम एक बार फिर दोबारा से न्यू पर चलते हैं तो हमें दोबारा से वही का वही इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअली अभी फिलहाल चूंकि हमें एमएस वर्ल्ड का इंटरफेस के बारे में जानना है, तो हम ब्लैंक एक पेज ओपन कर लेते हैं, यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इस पर हम लोग समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ओपन होकर के आपके सामने आएगा। तो इसके अंदर और सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं पहले, तब हम आगे चलेंगे। जैसे कि हम यहां से राइट हैंड से समझते हैं, यहां से आप डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। अगर कुछ भी वर्क किए रहेंगे तो क्लोज होने से पहले सेव करने के लिए पूछेगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमने कुछ भी टाइप कर दिया और हम यहां से क्लोज करते हैं तो ये सेव करने के लिए पूछेगा। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर क्लोज करते भी हैं तो पहले आपको सावधान करेगा कि आपको क्या सेव करना है। तो चूंकि हमें क्लोज नहीं करना है तो इसलिए हम इसको
कैंसिल कर देंगे। सेव नहीं करना है वैसे ही क्लोज करना है तो डोंट सेव कर देंगे, सेव करना है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है बॉक्स खुल करके आएगा इस तरीके से सेव एस के लिए, जहां पर भी सेव करना होगा आप वहां पर सेव कर पाएंगे। उसके बाद ये जो है ये रिस्टोर डाउन के लिए है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रिस्टोर डाउन हो जाएगा, जो आप लोग जानते भी होंगे। ये मिनिमाइज है यानी कि फाइल जो है रन कंडीशन में रहेगी, यहां पर आकर के मिनिमाइज हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक ये बटन है और ये बटन जो है मिलता है आपको ये माइक्रोसॉफ्ट 13 और 16 में मिलता है, उससे पहले वाले वर्जन में ये नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो रिबन दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं, इसको हाइड एंड हाइड करने के लिए आता है। जैसे कि जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ऑटो हाइड पर तो ये हाइड हो गया, और जैसे ही आप इस पर जाएंगे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा, फिर जब आप यहां पर आकर के क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये फिर दोबारा से आ जाएगा, फिर आप नीचे वर्किंग में आएंगे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, यहां से नहीं चाहिए आप इसको जो है सो टैब्स, इस पर जब क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि सिर्फ टैब शो कर रहा है लेकिन उसके रिबन्स वगैरह शो नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है सो टैब एंड कमांड्स वगैरह भी, जितने भी कमांड्स हैं सारे के सारे कमांड्स भी शो करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो आता है डॉक्यूमेंट टू वर्ड, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट जिस नाम से आप जो है सेव किए रहेंगे, जिस नाम की आपकी फाइल होगी वो नाम यहां पर दिखाई देगा, इसको टाइटल बार हम बोलते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा वो टाइटल यहां पर दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा कमांड जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं, उसको फास्टली यूज करना चाहते हैं, क्विकली यूज करना चाहते हैं, उसको आप यहां पर बटन बना करके रख सकते हैं। जैसे कि ज्यादा हमें यूज करना होता है सेव, तो सेव है और ये जो है अंडो और रीडो का बटन होता है, आप इसमें से अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर दिया हुआ डाउन बटन, आप इसमें से जितने भी यहां पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आप इसको लगा भी सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सेव पर यहां पर चेक मार्क लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है, तो सेव यहां पर दिखाई दे रहा है, अंडो एंड रेडो दिखाई दे रहा है। आप अगर न्यू पर क्लिक करते हैं तो न्यू का बटन यहां पर आ जाएगा, ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो ओपन का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो सेव एंड अंडो एंड रेडो का रहता है। उसके बाद जो है ये आता है आपका मेनू बार, मेनू बार में ये सारे टैब होते हैं, टैब आप ये देख सकते हैं, ये होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिजाइन का टैब है, ये बहुत सारे टैब आएंगे जिनके अंदर आपको जो भी टैब पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहां पर ये रिबन खुल करके आती है, इसको रिबन बोलते हैं, और उसके अंदर ये ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड के ये ब्लॉक्स देख सकते हैं, फॉन्ट के ये ब्लॉक्स देख सकते हैं, पैराग्राफ सेट करने के लिए ब्लॉक्स देख सकते हैं, और हर ब्लॉक में अलग अलग कमांड्स होते हैं, छोटे छोटे कमांड्स, जिन सभी कमांड्स के बारे में हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे, देखेंगे कि उन सभी का क्या क्या वर्क होता है। तो ये सारे इस तरीके से आते हैं, इन सभी कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो यानी कि ये हो गया टैब हो गया, और ये फाइल मेनू होता है, फाइल मेनू के अंदर जो है इसके बारे में सभी ऑप्शंस के बारे में हम एक वीडियो के अंदर समझेंगे, यानी कि एक वीडियो के अंदर हम एक ऑप्शंस के बारे में समझा करेंगे, यानी कि एक टैब के अंदर क्या क्या है, जैसी वीडियो की लेंथ होगी उसी हिसाब से हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फाइल के बारे में जानेंगे कि इन सभी ऑप्शंस का क्या क्या यूज है, उसके बाद हम होम के बारे में चलेंगे, फिर इंसर्ट के बारे में चलेंगे, होम में आने के बाद इन सभी ऑप्शंस को समझेंगे, सारे कमांड्स को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इंसर्ट में चलेंगे। तो इसी प्रकार से सभी टैब्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग वर्क करेंगे। तो ये रहा ऊपर के सारे कमांड्स वगैरह, और यहां पर रहा आपका स्क्रॉल, यानी कि पेज आपका वर्टिकली है तो लंबा है, तो उसको स्क्रॉल करके डाउन लेकर के आने के लिए, नीचे लेकर के आने के लिए आप इस तरीके से आप नीचे लेकर के आएंगे तो इस तरीके से जो है आप देख पाएंगे। तो आप इसको पकड़ करके भी नीचे लेकर के आ सकते हैं, या फिर यहां पर नीचे ये जो बटन है डाउन का, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो लेकर के आ सकते हैं, या फिर आप माउस का बीच वाला जो स्क्रॉल होता है आप स्क्रॉल करेंगे तब भी ये जो है नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे होता है ये होता है इसका स्टेटस बार, इसके अंदर इस फाइल का स्टेटस दिखाता है, यानी कि फर्स्ट में जो होगा पेज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नेविगेशन खुलता है, नेविगेशन के अंदर ये दिखाएगा
फर्स्ट में हेडिंग्स है, कितनी हेडिंग्स वगैरह है, उसके बाद पेज दिखाएगा कितने पेज वगैरह है, सारे के सारे पेजेस वगैरह दिखाएगा, उसके बाद यहां पर रिजल्ट दिखाएगा। तो इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा इसका साइज वगैरह, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप मूव कर सकते हैं इसको, इधर उधर ले जा करके आप रख सकते हैं। फिलहाल ये यहीं पे रहता है तो हम यही रखेंगे बाय डिफॉल्ट। उसके बाद इसका साइज, जब आप इस पर साइज पर क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहां आ जाएगा, इसको पकड़ लेगा। आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद नहीं चाहिए तो आप यहां से भी क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहां पर आप क्लोज बटन को क्लिक कर सकते हैं, हट जाएगा। उसके बाद जो होता है यहां पर वर्ड होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड काउंट का ये बॉक्स खुल करके आएगा, जिसके अंदर इस फाइल से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस इसके अंदर होता है, जिसके अंदर कितने सारे पेज हैं वो सारे पेज दिखाएगा, वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं वो सारे वर्ड्स दिखाई देगा, कैरेक्टर कितना है, जैसे कि मैंने एक ही वर्ड लिखा है तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है, एक ही पेज है तो एक ही पेज दिखाई दे रहा है, कैरेक्टर नंबर ऑफ स्पेस कैरेक्टर कितने हैं वो दिखाई दे रहा है यहां पर, जो हमने कैरेक्टर टाइप किया है, कैरेक्टर विथ स्पेस वो दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती है। एक ही सिंगल क्लिक में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टाइप वगैरह करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कितने स्पेस हमने दिए हैं या फिर कितने वर्ड हमने टाइप कर दिया, तो सारा का सारा जो है यहां पर आपको डिटेल्स इसकी दिख जाती है। ये बहुत ही अच्छी चीज वर्ड में आपको मिलती है। यहां पर है लैंग्वेज, तो बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश से यूनाइटेड किंगडम में ही रहता है, तो हम इसी पर रहने देंगे, बाकी की जरूरत हमें नहीं होती है। उसके बाद जो यहां पर आता है राइट हैंड में, ये रीड मोड है। मान लीजिए कोई भी फाइल आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं, बाकी के ऑप्शंस आपको नहीं देखना है, तो आप यहां पर रीड मोड पर क्लिक कर देंगे तो बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हट जाते हैं, सिर्फ फाइल आपको दिखाई दे रही होती है रीड करने के लिए। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, या फिर जो है एस्केप बटन को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये हट जाएगा, दोबारा आ जाएगा यहां पर प्रिंट लेआउट पर। तो हमें हमेशा प्रिंट लेआउट पर रख करके ही काम करना होता है, ताकि उससे प्रॉपर ये समझ में आ रहा होता है कि हमें किस एरिया में वर्क को करना है, ये सारी चीजें। और उसके बगल में जो है ये वेब लेआउट है, यानी कि वेब पर जब जाएगा तो वेब पर कैसा दिखेगा, तो ये सारा लुक होता है जो हमें देखना होता है। और हम मैक्सिमम जो है प्रिंट लेआउट पर ही करके देखते हैं। मान लीजिए यहां पर छोटा ही पेज है, हमें जो इसका टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां से हम यहां से इसको जूम कर सकते हैं। ये प्लस वाले पर क्लिक करेंगे जूम इन होगा, यहां से माइनस वाले पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा इस तरीके से। या फिर यहां से हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और माउस का स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो इस तरीके से ये पेज जो है जूम इन और जूम आउट होता हुआ नजर आएगा। तो मैक्सिमम हम शॉर्टकट को ही यहां पर यूज करेंगे ताकि काम करने में बिल्कुल आसान हो। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि वर्ड कैसे खुलेगा, वर्ड 2016 कैसे खुलेगा, कहां कहां से ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, और इसके इंटरफेस पर क्या क्या है और क्या क्या हम लोगों को सीखना है। तो ये तो सारा रहा इंट्रोडक्शन इसका इंटरफेस का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू के अंदर क्या क्या है और वो कब कब कैसे कैसे यूज होता है। उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आए और आप कहीं पर भी फेल ना मारें। चाहे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई पूछ देता है वर्ल्ड से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आप उसका एक्सप्लेनेशन दे पाएं, एक्सप्लेन कर पाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है कोई भी बोलने की स्पीड्स वगैरह से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आपके सामने आ रहा है, तो प्लीज अभी से आप कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधार लूंगा, तो आगे चल करके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट है एक अच्छे नॉलेज की, एमएस वर्ड से रिलेटेड या फिर एमएस ऑफिस से रिलेटेड अच्छे नॉलेज की जरूरत है काफी लोगों को। तो सभी लोगों को ये नॉलेज मिल सके तो प्लीज आप इसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, आप इसको शेयर करते रहें सभी वीडियोस को, ताकि और लोगों को भी जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।